नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी को स्पेशल दाल बाटी बना के दिखाऊंगी जो कि कुछ ही लोग बना के खाते होंगे। चिकनाई वाली दाल बाटी तो सभी खाते होंगे, उन लोगों का क्या जो चिकनाई खाते ही नहीं। बस ऐसे ही लोगों के लिए मैंने दाल बाटी बनाने की छोटी सी कोशिश की है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते। तो दाल बनाने के लिए मेरे पास तीन तरह की दाल है, एक मसूर की दाल, एक मूंग की दाल और एक चने की दाल। तीनों दालों को मैंने अच्छे से धो लिया है। ज़रूरी नहीं कि यही दाल हो आपके पास, जो भी जैसी भी दाल हो उनको भी आप मिक्स करके बना सकते हैं। तो तीन दिन पुरानी सहजन की फलियां हैं तो इनको मैं काटूंगी नहीं, इनको मैं ऐसे रोल करके बेलन की मदद से थोड़ी थोड़ी इनको कुचल दूंगी ताकि इनका बनाते समय पूरा अर्क और सुगंध दाल में आ जाए और दाल का स्वाद भी बढ़ जाएगा। सहजन की फली के साथ दो चार टुकड़े कद्दू के डाल दिए हैं, साथ में दो तीन आलू डालेंगे, हल्दी नमक थोड़ा सा अदरक किसेंगे, चार पांच टमाटर भी इसी के साथ डाल देंगे। अब गैस जलाएंगे, लो टू हाई फ्लेम पर कुकर को रखेंगे। कुकर में दो सीटी आने देंगे, ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो दाल घुल जाएगी। दो सीटी लगाएंगे तो दाल हमारी कितनी बढ़िया मस्त गली है, ये देखो। अब ये सहजन की फली है, इनको हम अलग निकाल लेंगे, साथ में टमाटर और आलू तीनों को निकाल लेंगे। एक कटोरी में एक कप पानी लेके सहजन की फलियों का सारा अर्क हाथ से मसल मसल कर निकाल लेंगे और दाल में डाल लेंगे। आलूओं को हम अलग निकालेंगे, टमाटर के छिलके उतार कर हम टमाटर को इसी में डाल। लगभग दाल बन चुकी है, बस छौंका रह गया है। अब हम आलूओं को छील कर मसल लेते हैं। ये जो पन्नी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये साधारण आटा नहीं है, ये सत्तू वाला आटा है। हाँ, तो मैं सत्तू के आटे की ही बाटी बनाऊंगी जो कि बहुत ही पौष्टिक होती हैं। सत्तू के आटे की तासीर तो ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मियों में बहुत खाया जाता है। सत्तू के आटे में थोड़े सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और मैं आटे को आलू से ही गूंदूंगी, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं डालूंगी, क्योंकि बिना जो चिकनाई खाने वाले हैं वो तो खा लेंगे लेकिन बिना चिकनाई खाने वाले लोग इसे भी खा सकते हैं। तो मैंने दो तरह का आटा गूंदा, थोड़ी सी चिकनाई वाला और थोड़ा सा फी ये वाला आटा। इसमें मैं थोड़ा सा चार छः चम्मच घी की डाली, ज़्यादा घी नहीं डालूंगी, इसे मैं घी से और आलू से गूंद लूंगी। एक घी वाला आटा हो गया और दूसरा बिना घी का, केवल आलू से गूंदा है ये आटा मैंने। दोनों तरह का आटा गूंद चुका है, अब इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम करते हैं छौंका लगाने की तैयारी। गैस जला के फ्राई पैन रखेंगे, जीरा और राई डालेंगे चटकाने के लिए, प्याज डालेंगे, तो दो चार हरी मिर्च डालेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा मसाला तो डालना नहीं है, क्योंकि जो चिकनाई नहीं खाएंगे साहब वो मसाला भी कम खाएंगे। दाल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, अगर आप नहीं खाते हैं तो नहीं। थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाली है। अब छौंका हमने लगा लिया है, दाल हमारी बनके तैयार हो गई, बहुत ही पौष्टिक दाल। दाल बनाते समय बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। किसकी आ रही है? सहजन की फलियों की। ये देखो देखने में कितनी बढ़िया सुंदर दाल लग रही है, मज़ा आ गया। अब बाटी बनाते हैं। बाटी को ना हम ओवन में बनाएंगे ना भट्टी में, हम बनाएंगे सिंपल सी कढ़ाई। पहले हम चिकनाई वाली बाटी बना लेते हैं, तो हम लोई बनाएंगे, लोई में थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे और इनको भी हम दोबारा से लोई बना देंगे। ऐसे एक एक करके हमने सारी लोई बना ली है। अब हम बिना चिकनाई का आटा लेंगे, उसमें हम कुछ ना डाल के सादा लोई बनाएंगे। मैं धनिया रह गया था डालने को, अब धनिया भी डाल देते हैं। अब थोड़ी सी तेज़ आंच जला के कढ़ाई रखेंगे, एक एक करके हम लोई बाटी डालेंगे और कढ़ाई को ना तो तेज़ करेंगे और ना कम, इतनी कढ़ाई हो कि फटाफट जिस सकती जाए, ना तो ये जलेंगी और ना कच्ची। दोनों तरह की बाटी बहुत ही बढ़िया से की हैं, अंदर से नरम बाहर से कुरकुरी, तोड़ने पर बिल्कुल सॉफ्ट टूटे। थोड़ी सी बाटी और बची, उनको भी हम सेक लेते हैं और पलट करके इनको भी फटाफट से सेक लेते हैं। दाल बाटी बन चुकी हैं, अब इनको हम परोसते हैं। पहले दाल परोसेंगे, फिर थोड़ा सा हमने रायता बना, रायता परसेंगे। जो चिकनाई खाने वाले हैं उनको हम थोड़ा सा मक्खन परस देते हैं और फिर बाटी परस देते हैं। अच्छे वीडियो देख रहे हो तो आप बताइए हमारी स्पेशल दाल बाटी कैसी बनी। मेरी स्पेशल दाल बाटी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गर्मियों में खाने वाली ठंडी ठंडी सत्तू की बाटी, कुछ कम या ज़्यादा हो गया हो तो लिख कर बताएं। नमस्ते।